एक्चुअली मैं इतना लेट आना नहीं चाहता था आप लोगों के सामने, पर क्या करूं, आना पड़ गया लेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएमटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज देखिए, मैं आज जा रही है दीपा बस्ती, और दीपा बस्ती लोअर सियांग में पड़ता है, और वहाँ पे हो रहा है फेस्टिवल ईगो म्यूजिक एडवेंचरस स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे ऋतु रिवा जी आ रहा है, सलमान अली आ रहा है, और बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी मेरे ख्याल से। तो आज हम जा रहे हैं म्यूजिक ईगो म्यूजिक फेस्टिवल, आज ईगो म्यूजिक फेस्टिवल। चलिए आप भी मेरे साथ टूर कीजिए, कैसे कैसे होता है वहाँ पे और क्या क्या है। स्पोर्ट्स है, ये है जैसे पैराग्लाइडिंग है बोला, हॉट बैलून एयर क्या क्या बहुत कुछ है बोला। तो मैं आज सब का आनंद उठाने जा रही हूँ। मेरे साथ मेरा ड्राइवर साहब है जो अभी वीडियो ले रहा है, उसको बाद में आपको दिखाते हैं। तो गाइस चलिए, और आप मेरा साथ ईगो म्यूजिक फेस्टिवल के आनंद लीजिए। तो अभी यहाँ पे एक जगह पे खाना खाने आया है, रास्ते में भूख लग गया था, हम कुछ भी खा के नहीं आए, इसलिए मैं ओयान का ये मेमो आओ ढाबा कम रिजोर्ट ओयान वेलकम, यहाँ पे मैं खाना खाऊंगी। थोड़ा भूख लग रहा है, दीपा थोड़ा दूर है, एक घंटा का रास्ता है, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, गैस हो जाएगा ना, इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एंट्री गेट का सामने पहुँच गया, अभी एंट्री फीस वगैरह देंगे। ये मुझे ये चिपका दिया गया, ईगो म्यूजिक एंड एडवेंचर फेस्टिवल, एंड ये है गेट भी बहुत सुंदर है, था ऑर्गेनिक पत्ता से गेट बनाया गाइस।
हम दोनों गाड़ी वहाँ पार्किंग कर दिया, एंट्री कर, हम दोनों का एंट्री देखिए, एंट्री टिकट कटने से ये ढाल देते हैं, तो हम दोनों को 700 1400 लिया दोनों का एंट्री फीस। ये है गाइस स्टेज, यहाँ पे परफॉर्म्स करेंगे आज रुतो रुबा। तो यहाँ पे पूरा सब चेकिंग हो रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। एल्बर्ट आरो का फ्लोर है ना जी, के सबको यहाँ पे बुझे? एक तू ही है दिल ने जिसे हर दम अपना माना, वो गाना गाएगा होगा शायद। तो गाइस ये है बर्मा ब्रिज, ये यहाँ पे चलना अपने जान पे खेलने का बराबर है, लेकिन मैं जाऊंगी बाद में यहाँ से। देखिए बर्मा ब्रिज यहाँ पे, तो मैं जाऊंगी जाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं बर्मा ब्रिज। हाय भैया, गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, आप साथ में जाइएगा। तो गाइस मैं बर्मा ब्रिज की ओर जा रही हूँ भाई। बर्मा ब्रिज है ना ये? अच्छा, तो गिरने का तो चांस नहीं होना चाहिए, लेकिन दिखता है ना। ये दोनों को पकड़ते जाना है ना, इतना ऊपर वहां तक नहीं जा सकते। कुछ भी ऐसे कोई जा चुका है? जा चुका है पहले, कितने पर गया है। हम ये हो जाएगा क्या, अपना शुरू हो रहा है। डर क्या हो? जीजस लास होते होते पूरी हो गया, पाव भी दर्द हो गया और पूरा बदन कांप रहा है, लेकिन पैसा दिया है तो इसको तो हम चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। हाँ पार हो गया। एक्सपीरियंस कैसा था? हाई पोविया था, तो आज उसको भी हम मैंने पार कर लिया, बहुत बढ़िया था, कुछ अलग करने को मिला, मजा लगा। तो अब हटिए, मैं दूसरा भी ट्राई करती हूँ। तो गाइस मेरा जो गुरु है, मेरा जो ड्राइवर साहब है, मेरा जो हस्बैंड है, उसको हम प्यार से ड्राइवर साहब बोलते हैं, वो अभी ये जीप लाइन करने जा रहा है। जीप लाइन मतलब यहाँ से वो पूरा ये रस्सी से छोटा छोटा, मतलब स्पीड से शायद आएगा ना, आस्ते से पता नहीं, हमको तो थोड़ा डर लगा इसलिए मैंने नहीं किया। वो उधर है, वो देखिए आ रहा है वो। देखिए मजा देखो, चोटने लगा। इसका वेट ज्यादा था एक्चुअली, 75 वेट तक ही ये होता था, बोला था 80 वाला आदमी आज की है। कैसे लगा है, डरावना था? ठीक था ना? तो ये लोग हवा करे क्या? ये लोग देखिए, ये तो सलमान अली, किसका ईगो होता होगा जो इसको ईगो लिखा। देखिए गाइस ईगो, ईगो फेस्टिवल। तो मेरा उसको दिखाओ, मेरा जो केएमटी का मालिक, मालिक दुकान मालिक। हाँ देखो मेरा दुकान मालिक, पानी पानी देते हुए। देखिए मेरा दुकान मालिक आज असली का मालिक बन के बैठ रहा है। ये लोग स्टॉल लोग है, कम सी रही है। वहाँ
वहाँ पे टेंट बना के गोलू गोलू बैठ रहा है अभी से। तो वहाँ पे मेरा हस्बैंड जो पैराग्लाइडिंग कर रहा है, देखिए अंदर लगता है थोड़ा हाइट फोबिया है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ गिरेगा गिरेगा अभी। हाय डर लग रहा होगा दे टेंशन है। तो अभी हम अलग डिस्टिनेशन में आया हुआ है। वो ब्रिज को दिखाइए, इतना प्यारा सा एक ब्रिज है। हाँ, उसको पार करके आया। तो यहाँ पे फिशिंग वगैरह करता है बोला, तो चले आइए। तो यहाँ पे टेंट इतना ज़्यादा है, अगर हम दोनों का भी बच्चा बड़ा हो जाने से आज एक रात स्टे करना था लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि हम लोग को वापस जाना है। देखिए क्योंकि इतने सुंदर सुंदर दाव फॉर सेल 1500 ओनली, बहुत सुंदर है दाव लोग। नदी का किनारे में रोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, पहाड़ का नीचे में कर रहा है एक्चुअली। मिल रहा है, चेहरे ना उधर इतना चिल्ला रहे, वहाँ मिल रहा है। तुम क्या मिलेगा वहाँ में, मछली इतना जा रहा है देखो। तुम मछली मिला है बोलने से तुमको हम क्या करेगा देखो। अजी कहीं ना कहीं डाली तो के यहाँ में मछली का खाना मछुआरा। तो अभी वो हार मान गया। अभी मैं ट्राई करती हूँ, देखिए मछली का खाना यहाँ डालेंगे। तो अभी देखिए, हाँ बहुत लंबा है। फाइनली एक तो चौथा मिला, वाह वाह। उनका सामने लाओ तो देखिएगा खा दे। हाँ तुम हमको अनलकी बोल रहे थे ना, हम लकी है देखा। ये स्टिल अभी तक देखिए लगे रहा है। और ये हमें, ये लोग हम लोग को इतना दाम लिया ना 500 रुपीज़ में एंगलिंग करने, देखे चालू से एक दूसरे पकड़ने दे वो सोच के ना 11 साल। बढ़िया मिले लास्ट इतना बढ़िया मिले, वाह गाइस देखिए बल्ले वाह लास्ट में बोले तो इतना बढ़िया मिला है, वाह। देखा होगा मेरा बात अब सुना है ना, वाह ये तो एक पो ऐसे होगा क्या ना होगा, वाह बढ़िया। हेलो गाइस, तो देखिए रितो को मिलने का चक्कर में आज मेरा बेटी तेंगाम सेलिन गोयू को भी मिल गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी बोल दीजिए मेरा केएमपी ब्लॉग को। थैंक यू सो मच आप आने के लिए हम लोग का स्टॉल में गेम्स खेलने के लिए। अच्छा लगा। तो गाइस मैं बता दूं, ये है फॉर्मर मिस अरुणाचल 2021 का था। तो अभी भी स्टिल ये बहुत अपना काम में, हम लोग सब सोशल मीडिया में देखते होंगे इसे काम किसे कर रहा है, इतना कम एज में बहुत ज़्यादा तेंगम अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे आपका, और मिस इंडिया में भी आप जरूर कोशिश कीजिए। आप तो पूरा न्यूज रिपोर्टर जैसे बात ऐसे ही हम। तो हम लोग अभी भी ऋतुरूपा को रुक के बैठा हुआ है मेरा ये बहन का शॉप पे। तो यहाँ पे मुझे मिला अपना लेंडो, वो है मेरा नाना। हाय नाना, केएमटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देखते हैं ना मेरा वीडियो। ये है मेरा नाना, उजाला में एक्चुअली बहुत हैंडसम होता है। तो ये है मेरा चाची, हाय हाय, बहुत सुंदर है रे मेरा चाची जी, आई लव यू। और ये मेरा भाई है, भैया है मेरा, ये भी लेंडो लड़का है। केएमटी ब्लॉग में आपका स्वागत। तो गाइस देखिए रात का नजारा ऐसे कुछ देखते हैं, देखिए बहुत सुंदर है। और यहाँ पे अभी तक तो रुबा ही आया, जब भी हम लोग ग्रुप बाइक से लेके जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है।
करका को मिलने के लिए आया था, लेकिन हमको मिला करका का भैया, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, बहुत हैंडसम गुड लुकिंग डेसिंग। चलिए हाथ मिलाइए। हाय, ये केएमटी ब्लॉग है मेरा। तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज कैरिक योमचा और मेरा स्टेज नेम मैवरिक है, बट आई गो बाय द नेम ऑफ कैरिक हुआ है मेरा स्टेज नेम। अभी रिसेंटली हम जो यूज कर रहे हैं एंड अभी तो यहाँ इको फेस्टिवल पे आया है एंड वी आर परफॉर्मिंग टुनाइट आई मीन और कल भी परफॉर्म करेगा एंड वी आर हिप हॉप आर्टिस्ट फ्रॉम ईटानगर। सो आई होप आप मार्टिना मैम के ब्लॉग में देखिए, यू विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब हर पेज मैम। और आप लोग इसका आज ये आप कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं ना? हां, वी विल डू सम कपल्स ऑफ सॉन्ग्स। तो करका भी हैंडसम है और उसका भैया भी बहुत हैंडसम है सामने में। आई गो फॉर द साउंड चेक। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेफ्ट साइड को साइड चार्ट पे करका को तो मिल गया। देखिए वो टायर्ड है और आयंग रेस्ट नहीं करने का वजह से। और लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू दिल से। पसीगत से? हां पसीगत से आपका। थैंक यू सो मच करका जी। गाइस, आज मेरा बहुत ही लकी का दिन है क्योंकि मैं करका एवं भाई से भी मिला और अभी अभी देखिए मुझे मिला ये मार्जुम गोमदिर जो वॉइस ऑफ गालो का विनर है, तो उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज ऋतु रुबा जी भी आ रहे हैं ना, तो ऋतु रुबा जी का एक दो जस्ट गाना दो लाइन, एक तू ही दिल ने जिसे वो वाला जस्ट दो लाइन एक गा दीजिए तो बढ़िया हो जाएगा। हेलो गाइस, देखिए मेरा सरप्राइज है सरप्राइज और मेरा हार्ट बीट पूरा फास्ट ही होते जा रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वाला अनएक्सपेक्टेड चीज हो रहा है आज। तो आज मुझे मिला रूपम द एक्सप्लोरर एंड हिज वाइफ, बहुत दिल से अच्छा लगा। अरे मुझे भी मतलब ये पहले भी वो भैया को भी बोल रहा था मैं कि मतलब इसे हम लोग को मतलब लोग मिलते हैं जो हमें हम जानते नहीं लेकिन वो लोग हमें जानते हैं, मतलब दूर दूर से इतने दूर दूर से लोग प्यार देते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है सब मिलके। बहुत सारे लोग मिले, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। जब आप लोग जैसे जैसे मिलते हो बोलते हो कि बहुत अच्छा लगता है आप लोग का वीडियो, मतलब हम लोग तो बहुत छोटे गांव से हैं तो और एकदम हमारे गांव में मतलब ऐसा ये सब यूट्यूब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। सबसे पहला मैंने ही किया है। शुरू शुरू में तो कुछ लोग मतलब क्रिटिसाइज भी करते थे, आजकल तो नहीं करते बस। जी जी, लेकिन आप दोनों का जो प्यार है वो भी बहुत अच्छा लगता है हमको और माँ को आप इतना प्यार करते हैं ना, जैसे कुछ भी चीज़ ये होता है देता है तो ऐसे हमेशा होते रहना है। जी जी, और बहुत अच्छा भैया क्या बोले यार, आप दोनों का तो कब शादी होने जा रहा है आप बताइए? शादी थोड़ा नियम एक जो जो बड़ा पार्टी होता है नियम तो हो चुका है लेकिन जो पार्टी होता है वो अभी तक नहीं किया है, लगेगा थोड़ा और 4-5 साल थोड़ा बहुत। आप लोग ब्लॉग में भी देखते होंगे मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं है, तो सबसे पहले मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, उस पर फोकस कर रहा हूँ। ये सबसे पहले अपना घर बार ये ठीक करूँ, उसके बाद वो सब तो नहीं करने से भी वो हो जाएगा ना। सबसे पहले तो घर होता है। तो कब पहुँचा है हमें? शाम को पहुँचा। शाम को आज ही आया है ना? हाँ आज आया ना, हम लोग भी पसीने से आया और हम लोग वापस जाएगा आज। हाँ वो माय, इतना रात को? इतना रात को वो पसी का सामने है ना यहाँ से? नहीं, एक घंटा 1.5 घंटे लगेगा। आप दोनों को तो दिखती रहता है, एक बार और एक बार हाथ करेगा इतना अच्छा। आप लोग का जो सब्जी उब्जी बनाता है ना, हम देखिए पूरा एक बार ना क्या हुआ रूपम जी कि हम रात को एक बार एक बजे को हम वीडियो देख रहा था ना, तो आपका ब्लॉग
आया, हम जिसको नहीं देखा तो उसको देखा तो अब इतना मजा मजा मतलब सब्जी दे रहा पूरा रात को, हम भूख लग गया नहीं हमको खाना भूख लग रहा है इसलिए गुस्सा लग रहा था थैंक यू सो मच आपको भी बहुत मिल के अच्छा लगा। तो अब भी हम मेरा कीमती ब्लॉग का लिए आप भी कुछ थोड़ा बोल दीजिए जरूर। जितने भी अगर मेरे व्यूअर्स भी कोई देख रहे हैं तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इनके चैनल को, प्यार दीजिएगा। तो आज मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है, इतने दूर से देखते हैं मेरे वीडियोस को, प्यार देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। Next song I'm going to perform is very very special to my heart. Okay, this song is very close to my heart actually. So ये song मैंने सोनी टीवी पे इंडियन के मंच पे गाया था। It's called Heer Ranjha, okay guys. ये इसका भी म्यूजिक वीडियो भी बन के आया है जो कि by God's grace आप लोगों के सबके प्यार से it has crossed more than 25 million views, okay.